प्राचीन काल से ही विश्व में ऐसे शहरों का उदय हुआ जो राजनीति, संस्कृति एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। ऐसे शहरों का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे शहरों का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिनका नाम सुनकर खौफ एवं मायूसी का माहौल व्याप्त हो जाता है। वर्तमान में चीन के हुबेई प्रांत का वुहान शहर का नाम एक ऐसे ही शहर का नाम है। वर्तमान में महामारी का रूप ले चुके कोविड 19 की उत्पत्ति इसी शहर में हुई। पहली बार कोरोना वायरस कोविड 19 का प्रकोप तब सामने आया जब 2019 के दिसंबर माह में वुहान शहर में अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण WHO को सूचित किया गया। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। WHO के अनुसार कोविड 19 में CO का तात्पर्य कोरोना से, VI का तात्पर्य वायरस से, D का मतलब डिजीज तथा 19 का मतलब 2019 से है। इसका नामकरण WHO द्वारा वैश्विक एजेंसी विश्व पशु संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2015 में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। इस वायरस के सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार और श्वसन क्रिया में रुकावट मुख्य लक्षण हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कोविड 19 वायरस के लिए किया जाने वाला पहला परीक्षण है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड 19 महामारी को लेकर अमेरिका सहित विश्व के तमाम देश चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में चीन ने फाइटिंग कोविड 19 इन एक्शन शीर्षक नाम से एक श्वेत पत्र जारी करके स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया है। चीन ने दलील दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला 27 दिसंबर को वुहान में आया था, जबकि मानव से मानव में संक्रमण के बारे में 19 जनवरी को पता चलने के बाद से ही इस पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू हो गई। चीनी श्वेत पत्र में दलील दी गई कि वुहान में 27 दिसंबर 2019 को एक हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की पहचान किए जाने के बाद स्थानीय सरकार द्वारा स्थिति को देखने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। श्वेत पत्र में निष्कर्ष के तौर पर कहा गया कि यह मामला कोई भयानक महामारी जैसी कोई आपदा नहीं, बल्कि विषाणु जनित निमोनिया का मामला था। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी NSC द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम ने 19 जनवरी को पहली बार पुष्टि की कि वायरस मानव से मानव में फैल सकता है। चीन के चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा कि 19 जनवरी से पहले इसके बारे में पर्याप्त सबूत नहीं थे कि यह वायरस मानव से मानव में फैल सकता है। श्वेत पत्र में बीजिंग ने कहा कि जब कोरोना वायरस के मानव से मानव में फैलने का पता चला तो इसकी रोकथाम व बचाव के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालिया स्थिति में दुनिया भर में 70 लाख के करीब लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और तकरीबन 4 लाख लोगों ने इस वायरस से अपनी जान गंवाई है। कोरोना महामारी के चलते चीन को पूरे विश्व में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चीन को ही इस महामारी की साजिश का सूत्रधार माना जा रहा है, जिसके चलते विश्व के तमाम देश चीन पर मुआवजा के लिए दबाव डाल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर चीनी कंपनियों और चीनी कारोबार पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। इस दौर में भारत की कूटनीति का वैश्विक समर्थन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इस महामारी में भारत चीन सीमा विवाद भी चर्चा में रहा, जिसमें विश्व की मजबूत शक्तियों ने भारत का समर्थन किया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चीन पर आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले के चलते चीन भारी दबाव में है, लेकिन इस संदर्भ में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अभी इंतजार करना होगा।